Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu Alaikum and welcome to another session of the Mobile Ad Hoc Network course. In today's lecture, we will be talking about another uh, very interesting type of network that is called the opportunistic networks. But before going to start today's lecture, let me revise some concepts from our previous uh, week lecture. इन द लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट डिले टॉलरेंट नेटवर्क और डी टी एन विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोबाइल एटहॉक नेटवर्क देट इनाबल कम्युनिकेशन जहाँ पर आपके पास जो नोड्स हैं उनके दरमियान कनेक्टिविटी वो कंटिन्यूस नहीं होती और वहाँ पर जो है वो डिले हमारे पास लॉन्ग होता है कंपेरिटिवली और द डिले इज़ आल्सो वेरिएबल और वहाँ पे हमारे पास लेटेंसी बहुत हाई होती है इरर रेट्स आर वेरी हाई डेटा रेट्स आर एसेमेट्रिक एंड सम टाइम एंड टू एंड कनेक्टिविटी डजेंट एग्जिस्ट सो इन सच टाइप ऑफ वी वी यूज़ अ सीनारीटवर्क स्पेशल टाइप ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क ऑबिच इस कॉल द डिले टॉलरेंट नेटवर्क और समटाइम डिसरेंट नैटवर्क टॉलरेंट नेटवर्क्स और DTN इन शॉर्ट डिटेल से हमने डी टी एन बात की थी उसके आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया था हमने देखा था कि आ, जो हमारे पास ट्रेडिशनल टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल सूट है वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लेयर को एड करते हैं चूंकि डिले टॉलरेंट नेटवर्क हमारे पास ओवरले नेटवर्क है तो वहाँ पे हम एक स्पेशल लेयर को एड करते हैं और उस लेयर को हम कहते हैं बंडल लेयर तो जो बंडल लेयर है दैट इज़ प्राइमरली डिज़ाइन टू एक्ट is an ओवरले अबाउट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सो डिटेल से हमने बंडल लेयर के ऊपर बात की थी regions किसे कहते हैं रीजनल networks क्या होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स क्यों डिफरेंट होते हैं फिर उनमें डी टी एन में, में डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ कस्टडी ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीक कवर की थी उसके अलावा हमने आ, कुछ एप्लीकेशन एरियास पे भी बात की थी अबाउट द डिलेट हो रहा फॉर एग्ज़ाम्पल स्पी डीप स्पेस कम्युनिकेशन किस तरह होती है विद द हेल्प ऑफ डी टी एन वायरलेशस सेंसर नेटवर्कस में डी टी एन का क्या रोल्स है अंडर वाटर सेंसर नेटवर्कस में इनकी इसकी क्या एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं इसके अलावा वीकुलर नेटवर्कस में डी टी एन कहाँ पर एप्लीकेबल है और मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीकुलर नेटवर्क विच इज़ कॉल वी डी टी एन वीकुलर डीले टेंट नेटवर्क विच इज़ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर द यूज़ ऑफ डी टी एन इन uh, द वीकुलर नेटवर्क बहुत आर इमर्जिंग नेटवर्क सो uh, दोनों के फीचर्स को कम्बाइन किया गया है आल्सो हमने बात की थी अनदर एप्लीकेशन एरिया के ऊपर जिसको हम कहते हैं एमरजेंसी कम्युनिकेशन और एमरजेंसी रिस्पॉन्स के जो डिज़ास्टर हैं उन सिचुएशंस में हम किस तरह डी से फ़ायदा ले सकते हैं रूरल कम्यूनिटीज़ हाउ वी कैन मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डी इसके अलावा पॉकेट स्विच नेटवर्क पे थोड़ा सा हमने उसको देखा था कि दैट इज़ एन एप्लीकेशन बट आज उस पर हम मज़ीद बात करेंगे इसी तरह मिलिट्री टेक्टिकल नेटवर्कस में उनकी एप्लीकेशन है वाइल्ड लाइफ में हैं वगैरह वगैरह एंड फाइनली इन द लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट सम रूटिंग प्रोटोकॉल्स एब्सट्रैक्ट लेवल पे हमने डी टी एन के रूटिंग प्रोटोकॉल्स को स्टडी किया था हमने देखा था कि हम प्रोटोकॉल्स को किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं उसमें मैंने बताया था कि एक हमारे पास कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सिंगल कॉपी रूटिंग प्रोटोकॉल एंड वी हैव अनदर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉपी रूटिंग प्रोटोकॉल्स सो दिस वाज अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीक नाउ लेट मूव टू आवर टुडे लेक्चर दैट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स <coughs> Before going to properly define the concept of uh, opportunistic network, let us start with some background. Uh, in today's world, uh, we are actually uh, surrounded by different IoT devices like smartphones, like PDAs. लाइक नोट बुक्स कैमराज वेयरेबल डिवाइस गैजट्स एक्सेट्रा सो आवर फिज़िकल वर्ल्ड इज़ सेचरेट बाई बाई दीज डिवाइस और ये स्मार्ट डिवाइस आपके पास फिक्सड भी हो सकती है फ़िक्स टू लोकेशन फॉर एक्ज़ाम्पल कहीं पर आप कोई स्मार्ट कैमरा इंस्टॉल कर लें या ये आपके पास पोर्टेबल भी हो सकती हैं लाइट यूर लाइक योर स्मार्टफ़ो विच यू कैरी अलॉन्ग्स विद योर सेल्फ वेर एवर यू गो और ये जो डिवाइस हैं इनमें हमारे पास आ, जो फीचर्स हैं वो इनक्रीज़ हो रही हैं फ्राम टाइम टू टाइम लाइक अगर आप अपने सेल फोन की एग्ज़ाम्पल ले, ले तो मोस्टली जो फर्स्ट जनरेशन के फ़ोन्स थे उनमें हम जो है वो सेल फोन्स को यूज़ कर देते जस्ट फॉर वॉइस कॉल फिर उसमें फीचर्स एड की गई क्या आप, आप इसको सिर्फ वॉइस कॉल के लिए यूज़ नहीं कर सकते बल्कि आप इसको एस एम एस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन एम एम एस का कॉन्सेप्ट आया एंड देन लो स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड देन हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दैन कैमराज

सो जो स्मार्ट डिवाइस हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम वो इन्हेंस हो रही हैं कम्युनिकेशन पे अगर हम फोकस करें तो ये हमारे पास जो पर्सनल डिवाइस हैं विच यू कैरी अलॉन्ग विद योर सेल्फ लाइक स्मार्टफोन्स लाइक पी डी एस लाइक नोटबुक एक्सेट्रा एक्चुअली दे हैव सेवरल वायरलेस इंटरफेसिस यानी पहले आप जो है वो सिर्फ़ टू जी को यूज़ करते थे फिर आप जो है थ्री जी का कॉन्सेप्ट आया फिर फोर जी का अब मोबाइल डिवाइस में थ्री जी सपोर्ट भी है फोर जी भी है एंड द फ्यूचरिस्टिक जो आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं फाइव जी उसका सपोर्ट भी आ गया है इसके अलावा ब्लूटूथ विच इज़ अनदर वायरलेस इंटरफेस उसके लिए सपोर्ट है ब्लूटूथ के लिए इसके अलावा डब्ल्यू लैन के साथ कनेक्ट होने के लिए है आर एफ आई डी का भी हो सकता है कि वो हो इन्फ्रा रेड विच इज़ अनदर वायरलेस इंटरफेस उसका भी सपोर्ट उसमें हो सकता है सो so, uh, जो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स हैं तो उससे रिगार्डिंग जो हमारे मोबाइल डिवाइस हैं उनमें जो इंटरफेस हैं वायरलेस इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन उनमें ना सिर्फ इम्प्रूमेंट आ रही हैं बट द नंबर आर आल्सो इंक्रीजेस सिमिलरली कम्पूटेशनल की अगर हम बात करें तो इंटेंसिव टास्क एंड पावरफुल टूल्स उसका सपोर्ट आ गया है आप जो है वो ऑनलाइन गेम्स जो है अभी अपने स्मार्टफोन्स पर प्ले कर सकता है विच रिक्वायर हाई कम्पटेशनल इंटेंसिव पावर इसी तरह आप जो है ऑनलाइन वीडियोज़ अगर रिकॉर्ड करते हैं या ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो सेशन है आपका यूट्यूब के ऊपर या गूगल हैंग आउट या मीटअप के ऊपर जो भी है तो उसके लिए भी आप अपने स्मार्टफोन्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अनदर अदर टाइप ऑफ मल्टी मीडिया कॉन्टेंट्स एज वेल सिमिलरली इफ़ वी टॉक्ट अबाउट नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ दी स्मार्ट डिवाइस सो ये जो डिवाइस हैं आ, इन दे आर अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें आपके पास आ, सेंसर्स हैं डिफरेंट टाइप के विच कैन सेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लोकेशन जो जी पी एस सेंसर्स हैं उसको आप फाइंड कर सकते हैं इसके अलावा जो कैमरा का सेंसर्स है उसके ज़रिए आप जो है वो पिक्चर्स ले सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वगैरह एंड अदर स्पेशलाइज रिसोर्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग ना सिर्फ इनको यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं बट यू कैन आल्सो यूज़ द नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ दिस डिज़ टू शेयर एक्चुअली ऑल द रिकॉर्डेड डेटा विद सम अदर पार्टीज अब ये जो रिसोर्स रिच यूजर पर्सनल डिवाइसिस हैं ये Actually, uh, they are not limited in number. दुनिया की जितनी population है, उससे ज्यादा हमारे पास smartphones available हैं. So actually, they these devices are spread in the environment. And there is like a uh, pervasive networking या computing का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, so mobility is the key aspect of these devices. एंड दे आर स्प्रेड ओवर आवर इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में जो हैं वो आए लोग इन डिवाइस को यूज़ करते हैं नॉट ओनली द स्मार्टफोन्स बट अदर टाइप ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंक डिवाइसेज जो कि हम यूज़ वेयर करते हैं अपने साथ कैरी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप रनिंग के लिए जा रहे हैं एंड यू आर यूजिंग यूर गैजेट्स टू कैलकुलेट यूर कैलरीज डेट यू डेट यू हैव बर्नड Uh, to find the distance, to find your speed, the kilometers that you walk or run, so uh, other types of devices are also come came under this category. So with these distributed uh, devices, with uh, this much resource-rich user personal devices, uh, what if you could pulled all these devices together? What if you use them collectively uh, to provide some functionalities? What if you can enhance their capabilities with much richer uh, functionalities or a uh, task and then currently that they are available Yari normally Hamlook in devices ko personally use karte hain for our own use so.

ट्रिक सर्विस के लिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल शेयरिंग ऑफ यूज़र जनरेट कॉन्टेंट कॉन्टेंट्स तो अगर दो यूज़र्स के इंटरेस्ट सेम हैं सो दे कैन एक्चुअली जनरेट द सेम टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स एंड दे कैन शेयर देयर कॉन्टेंट्स विद वन अनादर इसी तरह मल्टी मीडिया के सर्विसज हो सकती हैं कोई ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं कोई पिक्चर्स हैं कोई टैक्स जनरेटेड हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ऑन डिफरेंट यूजर डिवाइसिस इसी तरह कोई इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं लाइक हेल्थ केयर लाइक इन्वायरमेंटल मोनिटरिंग सोशल ओरिएंटेड सर्विसेज हो सकती हैं लाइक पार्टिसिपेटरी सेंसिंग और अगर आप लोगों ने मोबाइल सोशल नेटवर्किंग का नाम सुना हो सो दिस इज़ वट वी डिफाइन इज अ मोबाइल प्रोवेसिव फ्यूचर इंटरनेट अपॉर्चुनिस्टिक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप

अगर उनको हम अपॉर्चुनिस्टिकली कोलेबोरेटिवली यूज़ करें तो इन नेटवर्क्स को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स इन अ ब्रॉडर सेंस राइट अभी हम जाके मजीद टेक्निकल डेफिनीशन भी इसको देख इसकी देखेंगे बट देट वॉज अ जनरल कॉन्सेप्ट जनरल आइडिया बिहाइंड दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क और द इंस्परेशन्स जहाँ से कहाँ से जो है वो इन नेटवर्कस का अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइव हुआ है ओके okay, uh, जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक uh, नेटवर्क्स हैं इसमें एक्चुअली हम मोबिलिटी ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस को एस एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं फॉर कम्युनिकेशन रादर देन अ चैलेंज मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में हमने देखा था कि उसकी बहुत सारी कैरेस्टरिस्टिक्स हैं और उनकेरेस्टेरिस्टिक में जो सब से Uh, ज़्यादा जो कि अटैच हैं विद द मोबाइल इट हॉक नेटवर्क देट इज़ द मोबिलिटी एंड दैट इज़ अ चैलेंज कि यहाँ पे जो नोड्स हैं वो मोबाइल हैं अनप्रडिक्टिबल उनकी मोबिलिटी होती है हाईली वो मूव करते रहते हैं हाईली जो है वो उनकी टोपोलॉजी चेंज होती रहती है सो so हर एक चीज़ पे मोबिलिटी का इफ़ेक्ट होता है अगर आप मैक क्लियर के कोई स, के लिए कोई सोल्यूशन प्रपोज़ कर रहे हैं तो मोबिलिटी को आपने सामने रखना होगा अगर आप जो है नेटवर्क लेयर के लिए कोई सोलूशन प्रपोज कर रहे हैं तो मोबिलिटी एस्पेक्ट को आपने सामने रखना होगा एंड सेम फॉर अदर लेयर्स एज वेल सो वहाँ पे मोबिलिटी इज़ अ चैलेंज लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में इसी मोबिलिटी ऑफ डिवाइसेस को हम एस एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं फॉर मेकिंग द कम्युनिकेशन पॉसिबल

लेकिन जो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स हैं उसके लिए ये करेस्टरिस्टिक इस करस्टेरिस्टिक का फुलफ़िल होना वो ज़रूरी नहीं है यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर एंड टू एंड रूट अवेलेबल नहीं है तब भी आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स इसके अलावा जो नोड्स हैं उनके पास नेटवर्क टोपोलॉजी के नॉलेज का होना वो भी ज़रूरी नहीं है और स्टैटिक रूट्स का होना भी ज़रूरी नहीं है आप रूट्स को डायनामिकली बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर नोड्स जो कि अपॉर्चुनिस्टिकली आपके साथ आपके नोड के साथ कांटेक्ट करेंगे एंड देन यू वुड बी एबल टू सेंड योर डेटा टू दैट नोड एंड दैन देट नोड विल ट्राई टू अपॉर्चुनिस्टिकली फॉरवर्ड द डेटा टू एनअर नोड जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा कॉन्टेक्ट में आएगा वगैरह वगैरह तो so इसी तरह ये ये नेटवर्क जो है वो काम करते हैं और जो हमारे पास हाफ टू हाफ कम्युनिकेशन होती है वो भी देर इज़ पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क बिकॉज आपका जो पैकेट है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले उसको कहीं नोड से गुजरना होगा अपॉर्चुनिस्टिकली और हर एक हॉप जो है वो आपके डेटा को डेस्टिनेशन के करीब तर करता जाएगा जो हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर है ह्यूमन का दे आर एक्चुअली द कोर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स यानी हमारा रोल अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में वो बहुत ही अहम है क्योंकि जो डिवाइस हैं वी एक्चुअली कैरी दैम विद आवर सेल्फ अब जहाँ पे हम जा रहे हैं डिवाइस हमारे साथ जा रही हैं सो इफ़ वी आर मूविंग टूवर्ड द डेस्टिनेशन तो हम जो है डेटा को अपने साथ लेके इन डिवाइसिस की मदद से मदद से फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं सो ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली दे प्ले अ करूशल रोल इन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क बिकॉज दे कैरी द मोबाइल डिवाइसेस एंड द ह्यूमन मोबिलिटी एक्चुअली जनरेट्स आ कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ Uh, when two or more devices come into contact with one another actually so these are the human beings uh, who carry these devices and then they provide the opportunity uh, for these devices to contact with one another and exchange messages if they have so let us properly define opportunistic network it is actually a network of wirelessly कनेक्टिड नोट्स जिस ये जो वायरलेस की रिक्वायरमेंट uh, है ये कहीं कहीं पर हम इसको जो है वो वायोलेट कर सकते हैं बट नॉर्मली जनरली इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क जिसमें हमारे पास नोट्स जो हैं वो वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये जो कनेक्शन है अमॉन्ग द नोट्स इट इज़ नॉट अ परमानेंट कनेक्शन

सो सच टाइप ऑफ नेटवर्क में एक तो हमारे पास जो नोड्स हैं डिवाइस हैं दे आर वायरलेसली कनेक्टेड और कनेक्शन हमारे पास परमानेंट नहीं होता नेटवर्क की टेपोलॉजी हमारे पास चेंज होती रहती हैं ड्यू टू नोट मोबिलिटी या इसके अलावा एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की वजह से भी आपके पास जो टोपोलॉजी है वो चेंज हो सकती है या मोबिलिटी की वजह से और या फिर एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की वजह से किसी वजह से आपका आ, सेल फोन फॉर एग्जांपल अगर वो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए और वो डाउन हो जाए और आप उसको चार्जर पर लगाते हैं सो यू आर डीएक्टिवेटेड एंड देन यू एक्टिवेट यूअर सेल फोन अगेन सो देट इज़ आल्सो अनदर रीज़न एक्चुअली जो हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्कस हैं इट इज अ सब क्लास ऑफ डिले टोलर इन्स नेटवर्क और डिले टॉलर नेटवर्क को हमने लास्ट वीक पढ़ा था और अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में उसकी एक ब्रीफ उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया सो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ डिले टॉलर नेटवर्क जहाँ पे जो आपके पास कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या किसी दूसरे नोट के साथ कॉन्टैक्ट में आने की जो अपॉर्चुनिटी है दे आर एक्चुअली आर डिसकनी इन नेचर एंड जिस तरह अभी इस फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्लियर करके बताया कि जो नोट्स के दरमियान कनेक्शन है वो टेम्प्ररी है सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी है वो डिसकॉन्टीन्यू है इन नेचर सो इट इज अ सब क्लास अ सब कैटेगरी ऑफ डिलेट टॉलरेंट नेटवर्क जहाँ पे जो कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर एक्चुअली डिसकॉन्टीन्यूस इन नेचर अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क को सम टाइम हम पॉकेट स्विच्ड नेटवर्क भी कह सकते हैं आल दो दे आर आर अदर टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क लेकिन जब भी हम अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क को जनरली डिफाइन करते हैं तो हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है वी एक्चुअली रिफर टू द पॉकेट स्विच नेटवर्क बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस हम अपने साथ कैरी करते हैं इन साइड आवर पॉकेट्स नॉर्मली सो द डिवाइस इन साइड आवर पॉकेट्स उसकी वजह से इसको हम पॉकेट स्विच्ड नेटवर्क भी कह सकते हैं और इसके अलावा जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो उसको आप बोथ एज़ अ रूटर भी यूज़ करेंगे एंड आल्सो दैट इज़ गोइंग टू बी द एंड यूज़र ऑफ द सिस्टम दोनों काम हम इससे जो है वो ले सकते हैं सो इन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स जो आपके पास डिवाइसेस हैं

टू नो द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द सोर्स एंड इट्स इंटेंडिड डेस्टिनेशन के इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले से आ, एक एंड टू एंड पाथ अवेलेबल हो बिटवीन द सोर्स नोड एंड द डेस्टिनेशन नोट नो अगर पाथ अवेलेबल हो एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ इस्टेबलिश हो पहले से अवेलेबल हो सो so फिर वहाँ पर अब नेटवर्क का रोल नहीं है अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क का रोल उधर होगा जहाँ पे एंड टू एंड पाथ अवेलेबल नहीं होता बिटवीन सोर्स एंड द डेस्टिनेशन नाउ इफ द क्वेश्चन इज के अगर हमारे पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन पाथ अवेलेबल नहीं है सो हाउ वी आर एबल टू सेंड अवर डेटा टू वर्ड द डेस्टिनेशन एंड द आंसर इज वेरी सिंपल जो मोबाइल डिवाइस है दे विल एक्चुअली केरी यूअर डेटा जब तक के एक और अपॉर्चुनिटी एराइज ना हो जाए जैसे ही कोई और अपॉर्चुनिटी एराइज़ हो जाए दे विल सेंड द दे विल फॉरवर्ड द डेटा टू द नेक्स्ट पीयर, यूजिंग वायरलेस कनेक्शन और वायरलेस लिंक एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यू एक और अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे वो नोट जो है जो कि आपके डेटा को कैरी कर रहा है आपके डेटा को फॉरवर्ड करेगा टू अर पीयर कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक जो है आप का मैसेज फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क यहाँ पे हमने बात की कि uh, जो नोड्स हैं वो हमारे डेटा को कैरी करते हैं और वो उसको फॉरवर्ड करते हैं इस पैराडाइम को हम कहते हैं स्टोर कैरी एंड फॉरवर्ड पैराडाइम एंड आई थिंक डिले ऑलर नेटवर्क में भी हमने इस पर बात की थी सो एक्चुअली स्टोर कैरियर फॉरवर्ड में क्या होता है फर्स्ट ए कोई नोड जो है वो डेटा को रिसीव करने के बाद उसको स्टोर करेगा बिकॉज द नोट नो कि इस डेटा को मैंने फॉरवर्ड करना है इन द नेक्स्ट स्टेप सो उसको स्टोर करेगा एंड देन इट विल कैरी द स्टोर डेटा वाइल इट इज़ मूविंग टूअर्ड अदर लोकेशंस स्टोर करने के बाद ये कैरी करेगा एंड देन जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई और नोड इसको इनकाउंटर करेगा इससे मिलेगा इसके कवरेज रेंज में आएगा ये क्या करेगा अपने डेटा को फॉरवर्ड कर देगा सो so, सबसे पहले इट विल रिसीव द डेटा रिसीव करने के बाद स्टोर करेगा देन इट विल केरी द डेटा कैरी करने के बाद जो है अपॉर्चुनिस्टिकली इस डेटा को फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड एन अदर नोड जो कि इससे इनकाउंटर करेगा इससे मिलेगा या फिर कम्युनिकेशन रेंज में आएगा सो so, uh, nodes actually store messages uh, they have to forward and carry them until encountering another node and then actually they forward them to the nodes and then the process is repeated the next node jo have store karega carry karega, forward karega, until eventually your packet डस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता एंड वी एज्यूम के हर हॉप पे जो है हम डेस्टिनेशन के करीब होते जाते हैं डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम होता जाता है सो so यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं नोट मोबिलिटी को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं एस एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ द मेन पॉइंट हेयर जो आपके पास मोबिलिटी है देट इज़ एन अपॉरचुनिटी इंस्टेड ऑफ ए चैलेंज एंड यू आर एक्सप्लॉयटिंग देट मोबिलिटी एज एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर यूर डेटा

अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क में इफ अ नोट हैज अ डेटा टू ट्रांसफर टू वर्ड अ नदर नोट और सेट ऑफ नोट्स और कोई नेटवर्क पाथ अवेलेबल नहीं है जो कि सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करें सो एक्चुअली एनी पॉसिबल इनकाउंटर डिवाइस ऑन द वे

तो जैसे ही पॉसिबली ये किसी नोट के साथ इनकाउंटर करेगा नोट आपके पास सेल फोन हो सकता है पी हो सकता है नोटबुक हो सकता है लैपटॉप हो सकता है और एनी अदर स्मार्ट डिवाइस जो कि यूज़र अपने पास के अपने साथ कैरी कर रहा है ये इनकाउंटर जो है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू फॉरवर्ड द मैसेज टू द रिसीवर Or to bring the message much closer to, to the receiver. So this uh, predominant idea of opportunistic network application is ke ye jo store karna, carry karna, forward karna, ye iska basic idea hai? The basic idea is to, sh to share information or to share knowledge with others in spontaneous and in ad hoc manner. Right? सो आपके पास पैकेट है अब दूसरे को क्यों अपॉर्चुनिस्टिकली सेंड कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ नॉट द इंटेंडेड रिसीवर एक्चुअली यू आर डूइंग इट जस्ट टू मेक योर डेटा क्लोजर टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन सो द प्री डोमिनट आइडिया इज दैट टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद अदर्स और ये नॉलेज हम किस तरह शेयर करते हैं इन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट वाइल यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सम इन कॉन्टैक्ट विद सम नोट सो द कम्युनिकेशन इज़ स्पॉन्टेनियस एंड आल्सो इन एन एट हॉक मैनर देट इज़ वाई हम क्या कर रहे हैं हम डी टी एन के बारे में मैंने बताया था कि देट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोबाइल एंड हॉक नेटवर्क ना पर जूनिस्टिक नेटवर्क एक्चुअली इज़ अ सब टाइप ऑफ डी टी एन बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब कैटिगरी ऑफ मोबाइल एंड हॉक नेटवर्क सो नोट्स के दरियान जो कम्युनिकेशन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी और एट हॉक मोड में होगी एंड यू नो बेटर के एड हॉक मोड ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसफर ऑफ डेटा किसे कहते हैं ओके okay, थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली अपॉरचुनिस्टिक नेटवर्क को देखें तो एक्चुअली जो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स हैं उसमें जो नोड है एक्चुअली कोई नोड होगा जो स्टार्ट लेगा जहां से हम स्टार्ट लेंगे सो so, उसको हम सीड कहते हैं सो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क एक्चुअली ओरिजिनेटेड या स्टार्टिड फ्रॉम अ सीड नोड किसी का सिमुलेशन में अगर एक्सपीरियंस है तो सीड की वैल्यू क्या उसको ज्यादा जो है वो सीड के बारे में पता होगा बट स्टार्टिंग वैल्यू अब ये जो सीड नोड है <coughs> uh,

अगर आपके पास सिचुएशन बिल्कुल ही एक्सट्रीम है तो उस केस में जो आपके पास सीड नेटवर्क होगा वो सिंगल नोड का होगा लेकिन नॉर्मली सिंगल नोड होता नहीं है वी ऑलवेज़ हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू टू सेंड अवर डेटा और टू ओरिजिनेट अवर नेटवर्क अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क सो एक्चुअली वी हैव मोर देन वन नोट लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में जो आपके पास सीट नोड होगा सीट होगा वो आपके पास सिर्फ सिंगल नोड ही होगा and then with the passage of time Joe network ki topology will grow hoti hai. and it forms a bigger system by extending the request to join the opportunistic network you are actually <coughs> trying to capture as much node as possible to make the communication more effective to get more opportunities to transfer your data toward the destination or have more chances etc so the seed actually become bigger and bigger uh, by Extending the request to to join the system. And with the passage of time, more and more nodes will join your network, will join the seed. Okay, in the seed, when a new node they transfer into a completely <coughs> deployed opportunistic network member, which is called a helper node. Okay. कुछ आप आप स्टार्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल सिंगल नोड से दिन आपका सिस्टम जो है वो ग्रो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इस सीड uh, में जब कोई नया नोड एंट्री देता है उसको हम कहते हैं हेल्पर नोड सो बेस्ड ऑन योर सिनारियो एक्चुअली यू डिसाइड के किन नोट्स को आप अलाउ करते हैं कि वो आपके नेटवर्क को ज्वाइन करें उनके किन आप जो अलाउ नहीं करते कि वो आपके जो है अपॉर्चुनिस्टिक uh, नेटवर्क को ज्वाइन करें सो इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह जो है वो सीड को डेवलप करते हैं और किन को जो है वो अलाउ करते हैं और किन को जो है वो डिनाई करते हैं सो दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर टॉपिक एंड देट इज अबाउट के हमें अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क की जरूरत क्यों आई इतने ज्यादा नेटवर्क ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं राइट सो वाई वी नीड द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क जो बेसिक रीजन है वो मैंने बताया अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क के बिहाइंड जो बेसिक आइडिया है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स डेट वी केरी And that is the number, exponential growth in the number of the smartphones, or the different types of smart devices that actually they are connected uh, with the internet, or on ki jo capabilities from time to time enhance. So all these are the factors that actually lead to the creation of the opportunistic networks and also their use in our today's world. वाइडली यूज जिस तरह अभी बताया मैंने कि uh, जो पापुलेशन है उससे ज़्यादा हमारे पास डिवाइस हैं इन बिलियन्स राइट दियर नंबर इज़ इन बिलियन सो इन एक्चुअली टू टू फैसिलिटेट द स्मॉथ कम्युनिकेशन बिटवीन दिज डिज जो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी दे हैज़

पाथ्स अवेलेबल होते हैं और वो पाथ्स प्री डिटरमाइंड होते हैं और जो आपकी नेटवर्क की टपोलोजी होती है वो पहले से स्पेसिफाइड होती हैं उस केस में जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ अ स्मॉथ कम्युनिकेशन इट एक्चुअली फैसिलिटेट इट बट दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सिनारी जो आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क हैं उसमें ये वाली सिनारी जो हैं दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल क्यों एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो नोट्स के दरमियान पाथ हैं एंड टू एंड पाथ वो नहीं है वो पॉसिबल नहीं है दे मे नॉट एग्जिस्ट सो एन अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क एक्चुअली इट हैज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नो सर्विस प्रोवाइडर सो दिस कैन बी कंसिडर एन एडवांटेज इन सम समचुएशन जहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मे कोलेप ड्यू टू अ डिजास्टर ड्यू टू सम सममरजेंसी ड्यू टू अदर सिचुएशंस राइट सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइडर सो दिस इज़ एन एडवान्टेज जो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क हैं उसमें इस्टार्ट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चरलेस नेटवर्क पर काफ़ी बात की थी काफ़ी डिबेट उस पर हुई थी सो एक्चुअली ये दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क एंड द नीड के अगर सिचुएशंस है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है एंड टू एंड पाथ अवेलेबल नहीं है स्मॉथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल नेटवर्क आपके काम नहीं कर रहे हैं उन सिचुएशंस में हाउ यू हाउ यू विल बी एबल स्टिल कम्युनिकेट विद वन एन सो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क इज़ द आंसर to these questions क्योंकि इन सिचुएशन में देयर शुड बी अ कनेक्शन टू कॉलर रेस्क्यू टीम फॉर एग्जाम्पल फॉर हेल्प और टू रेस्क्यू द पीपल सो उस केसेज में जो है अपॉरचुनिस्टिक नेटवर्क की कैपेबिलिटीज को आप यूज़ कर सकते हैं बट दैट इज़ नॉट द ओनली सिनारियो इसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क हैं उनको आप इन ऐसे एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं विच आर नॉर्मली इनएक्सेसिबल अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे कुछ एरियाज़ इस तरह के हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टिल प्रोवाइडेड नहीं है राइट सो स्टूडेंट आर सफरिंग अब अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स को इन उन सीनारी में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं ठीक है सो देर इज़ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के किस तरह आप अपॉरचुनिस्टिक नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं इन अवर इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट और अलाउ देम टू एक्सेस द इंटरनेट जस्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स जहाँ जिनको इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पापोलेशन बहुत कम है राइट सो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट

Uh, for example, uh, uh, if the load uh, causes a slow response from the network, in those cases, the telecommunication providers hai, they can actually send their contents, their information, their data to some devices in a particular area. Or if there devices, hai, they will actually feed content information to the other devices opportunistically. So, if you scenario this scenario, जो मैंने अभी आपको बताया कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है सो हाउ यू कैन सेंड द लेक्चर मटेरियल टू दो स्टूडेंट्स तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप कोई इस तरह के डिवाइस हैं जिनको आप प्री लोड कर ले विद द कॉन्टेंट्स एंड देन फिर उन डिवाइस को आप सेंड करें टू दो एरियाज सो अपॉर्चुनस्टिकली द स्टूडेंट्स विल गेट इन कॉन्टेक्ट विद दोज़ डिसेस एंड दैन वहाँ से फिर वो जो मटेरियल हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग दैन डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट सो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज कैन प्ले दियर रोल और दे कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्राम सच सनाज और सच सिचुएशंस बाय डेटा लोडिंग स्लो रिस्पॉन्स टाइम हो या बिल्कुल नेटवर्क कनेक्टिविटी हो ही नहीं तो यू कैन यूज अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क सिमिलरली यू कैन यूज़ इन सिनारी जिसको हम कहते हैं विकुलर एड हॉक नेटवर्क और वहाँ पे जो मोबिलिटी है दैट इज़ वेरी हाई यू कैन इमेजिन द स्पीड ऑफ ऑफ अ व्हीकल ऑफ़ अ कार मूविंग ऑन द मोटर वे और ऑन अ हाई वे ठीक है सो 140 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल नाउ द मोबिलिटी इज़ वेरी हाई

ड्यूरिंग द जर्नी आपका जो जो व्हीकल है इट एक्चुअली ट्राई टू एक्सेस रोड साइड इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ एक्चुअली डिप्लॉयड सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपके पास गाड़ियाँ जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं एंड दे वांट टू एक्सेस द रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे आल्सो वांट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एक्ट इट एक्चुअली लीड्स टू अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं अनदर टाइप ऑफ स्पेशल नेटवर्क विच इज कॉल्ड एड हॉक नेटवर्क अब अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क का वानट में क्या रोल होगा सो द नोशन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक या अपॉर्चुनिटी इन एड हॉक नेटवर्क इज द is the fact that the vehicles uh, can change their position very rapidly. And actually to send data to to other nodes in the neighborhood, actually the changes are drastic. So there are challenges. vehicles <coughs> When they are moving uh, at a high speed, what data transmit द चैलेंज के जो उन दोनों के दरमियान जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है द लेंथ ऑफ द टाइम वेन द वीकल्स आर विद इन ईच अदर कवरेज रेंज दी वेरी स्मॉल बट स्टिल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी आप इसको एज अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं एन ऑर्डर टू एक्सचेंज द डेटा ठीक है सो एट टू डिट इंटेंट इन टाइम अ व्हीकल में वी हैव स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क जिसको हम कहते हैं वीकुलर हॉक नेटवर्क और उनको ड्यूरिंग ड्राइव ड्यूरिंग दियर जर्नीज फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे नीड टू एक्सेस द नेटवर्क और उस एक्सेस टू द नेटवर्क उनको नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दे एक्चुअली डिपेंड ऑन द रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर अब रोड साइड इन्फ्रास्ट्रक्चर हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता या उसकी कवरेज रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपके व्हीकल को जो है थ्रू आउट यूअर जर्नी वो कवर कर सकें फॉर एग्जांपल रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आप वाईफाई लगा रहे हैं तो उसका रेंज जो है वो डोर में मैक्सिमम वन किलोमीटर बट दैट इज़ थ्योरेटिकल मैक्सिमम सो यू विल गेट ओनली थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मीटर्स रेंज ऑफ द रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर अब हर फाइव हंड्रेड मीटर के बाद आप रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल नहीं कर सकते उसके अपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं सो वी नीड एन अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव क्या है कि आप व्हीकल्स को uh, एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करें कि जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल के साथ इन कॉन्टैक्ट में आएगा सो दे वुड बी एबल टू एक्सचेंज सम मैसेजेस ऑल दो द नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज इज गोइंग टू बी वेरी लो बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड एंड बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल बट स्टिल इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू

तो उनकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क को यूज़ करते हैं देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक कंप्यूटिंग एंड दैट इज वेरी मच रिलीवेंट टू द अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क कंप्यूटिंग एक्चुअली मीन टू कैलकुलेट समथिंग कंप्यूटिंग आपको पता होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन से आपको पता होगा एक्चुअली जो आपके पास डिवाइसेस हैं अभी तक हमने उनको यूज़ किया फॉर स्टोरिंग फॉर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग योर डेटा एंड देट इज़ कॉल अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क लेकिन देयर इज अनदर थीम ऑफ रिसर्च एंड देट इज अबाउट अपॉर्चुनिस्टिक कंप्यूटिंग कि आप सिर्फ डेटा को स्टोर करके मूव करके फॉरवर्ड ना करें यू कैन एक्चुअली ऑफर द रिसोर्सिस of your own smartphone to someone else